इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैच का सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 22 दिसंबर से मीरपुर में खेला जा रहा है और इस मैच के दौरान भारत की नजरें सीरीज जीतने पर होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैच का सीरीज का आखिरी मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने 4-4 विकेट लेकर बांग्लादेश को गुरुवार को यहाँ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच की पहली पारी में 227 रन पर ही आउट कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 19 रन बनाए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन मोमिनुल हक को छोड़कर उसका कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया। मोमिनुल ने 157 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 25 रन देकर 4 और अश्विन ने 71 रन देकर 4 विकेट लिए और वहीं 12 साल बाद टेस्ट में वापस करने वाले जयदेव ने 50 रन देकर 2 विकेट लिए। बदनसीब बांग्लादेश ने अपने आखिरी 5 विकेट 14 रन के अंदर ही गवाए। बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी की खत्म होते ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत होती है यहां से, और भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरे केएल राहुल और शुभमन गिल ने, जिसमें भारत का कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल का क्रीज पर संघर्ष जारी रहा। उन्हें 2 अवसरों पर DRS के कारण जीवन दान मिला। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय राहुल 30 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि शुभमन गिल ने 20 गेंदों पर नबाद 14 रन बनाए, जिसमें एक चौका और शाकिब की गेंद पर उनके सिर के ऊपर लगाए बहुत बड़ा एक छक्का। फिर भी भारत ने अभी बांग्लादेश से 208 रन पीछे है। 8वें ओवर के दौरान केएल राहुल को शाकिब ने लगभग LBW आउट कर दिया था। इतना ही नहीं, फील्ड अंपायर ने यहां तक उन्हें आउट दे दिया था, लेकिन कप्तान केएल राहुल ने बिना किसी संकोच के रिव्यू लेने का फैसला किया और थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।